हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खेक्सी और आलू की सूखी सब्जी। इसे फॉरेस्ट बिटर गॉर्ड भी बोलते हैं और आपके तरफ में इसे क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे मैं ली हूँ देसी वाली खेक्सी, ये 250 ग्राम है। इसे पहले अच्छे से धो लेंगे और उसके बाद इस तरह मैं गोल गोल कट की हूँ, जिसमें बड़े बड़े बीजे थे उसे मैं निकाल लिया और छोटे छोटे को मैं इसी तरह छोड़ दी। साथ में एक बड़ा साइज का प्याज और दो आलू ली हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर हम लेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच सरसों और सरसों को अच्छे से पकने देंगे। इसमें अब मैं डाल रही हूँ 2 सूखी लाल मिर्च, इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज और प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कलर जो है चेंज ना हो जाए। एक बड़े वाले भी खेक्सी आते हैं जो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, आप ये छोटे वाले को बनाए उसे आप जिस तरह भी बना लेंगे, नॉर्मल आप ऑयल में भी डाल के फ्राई करेंगे तब भी वो बहुत अच्छी लगती है। तो इतना हमें इसे भुनना है प्याज को। अब इसमें हम खेक्सी और आलू को एक साथ डाल देंगे, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, इसे अब हम ढक देंगे। दो मिनट हो चुका है तो इसका अब हम ढक्कन निकालेंगे और इसे हम फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अब हम गैस को लो कर देंगे और सूखे मसाले डालेंगे। इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। इसमें हमें बहुत हल्का मसाला डालना है जिससे जो है सब्जियां का फ्लेवर ज़्यादा अच्छे से आएगा। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को फिर से मीडियम कर देंगे और इसे हम ढक देंगे और हर 2 से 3 मिनट के बाद में इसका हम ढक्कन निकालेंगे और इसे मिक्स करेंगे और फिर से इसे हम ढक देंगे। इसी तरह हम अच्छे से इसे हम भून लेंगे जब तक जो है इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से भून लिया है, इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ गया, पर इसे हम और थोड़ी देर भूनेंगे। ये 15 से 20 मिनट में आराम से बन जाती है। तो यहाँ हमारा जो खेक्सी आलू का भुजिया बन के तैयार हो चुका है। सिंपल दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है या फिर इसे आप गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएँ तब भी अच्छी लगती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।